स्टार्ट में हेलो की हाल चाल मेरे टीजर्ड फूड एंड लाइफ के व्यूअर्स का गर्मी पैनी नहीं चाहिए है भाई। गर्मी नहीं पेगी तो मच्छर मक्खी है वो कितों मरन गए। ते गर्मी दे विच सब तो औखा होंदा है कुकिंग करना। फिर कुकिंग दे विच जे अपन कुछ आसान चीजा मिल जान जिहड़ियां फटाफट बन जान ते चटापट खादियां जान लाइट भी होन हेल्दी भी होन तां मजा आ जांदा वे। ते अज मैं थोड़े नाल आही गल करन जा रही हां। आपां कुकिंग करांगे बड़े ही अच्छे मूड दे नाल बहुत ही एक हेल्दी लाइट न्यूट्रिशियस डिलीशियस नाश्ता। अच्छा ओदे विच की बनाइए बना लैने आ ए जे साडी सूजी दे मैं बना रही हां अप्पे। देखो अप्पे जड़ी है ओ कोई बहुत पुरानी जड़ी है ओ डिश नहीं है। अप्पे प्लेट जड़ी है ओ इदां दी आउंदी है मार्केट विच मिलदी है। ए बहुत ही यूजफुल है इनू तुसी बहुत महंगी भी नहीं है ते इनू तुसी लो ते इहदे विच बहुत लैस ऑयल दे नाल कई तरह दे जिहड़े फूड है ओ बन जांदे ने। ते शुरू करदे आं आपां बनाउणा नाश्ता जिहड़ा कि बनेगा। देखो सूजी पावांगी मैं सूजी ला रही ये अद्धा किलो सूजी है मैं सूजी लाऊंगी अद्धी पाइया 250 ग्राम जिन्हों कहंदे ने। इहदे विच होर तुहानू दसीए की पएगा। इहदे विच असीं पावांगे सब तो पहला दही एक कटोरी दही दी छोटी कटोरी है फुल पा देनी। उस तो बाद असी पावांगे इहदे विच इनो पाउडर। यह इनो पाउडर है फटाफट फर्मेंट कर देंदा है। यह एक चम्मच मैं इनो पाउडर पा दिता है। हुण असी इहदे विच पाने शुरू करांगे। एक बार इहनू थोड़ा जिहा मिक्स कर दिया ताकि यह फॉर्मेट होना शुरू हो जाए। ते इस तो इलावा असी जिहड़ा लोड होएगा पानी पावांगे। ते ए पाइए असी प्याज फिर पावांगे धनिया। इस तो इलावा ना तुसी कोई भी वेजिटेबल्स जेड़ी अवेलेबल होन गाजर शिमला मिर्च क्या उहदा नाम है ब्रोकली कुछ भी पाओ। ए पाती मैं हरी मिर्च इनू असी थोड़ा जा पानी पा के इनू जिन्ना चिर आप मसाले पावांगे उन्नी देर च ही इन्हे फुल जाना ठीक है। वैसे 10 मिनट तुसी इसनू रख भी सकते हो राइट। साफ कर दिया यस। ते हुण असी पाइए इहदे विच नमक। नमक जिहड़ा वे ओ वैसे स्वाद अनुसार पर इहदे विच अद्धा चम्मच नमक जिहड़ा है वड्डा चम्मच तुसी छोटा चम्मच एक चम्मच पा सकदे हो। उस ते इलावा कुट्टी हुई लाल मिर्च आपां हरी भी पाइए राइट। ते जीरा पाउडर भी 2-3 चुटकियां। इस तो इलावा काली मिर्च ठीक है जी काली मिर्च भी पाती। असी करारा खावांगे ते इस करके असी इन्हां चीजां जिहड़ियां ने इहदे विच पा लईआं। इहनूं अच्छी तरह मिक्स करके रख लैंदे आं। ते आपां सारा कुछ पा लिया धनिया पाया प्याज पाया मिर्च पाई राइट सारा कुछ पा लिया। ते हुण असी इन्हां नूं कर देंगे इधर ते
धनिया थोड़ा जा होर भी पा सकते हैं, क्योंकि धनिया धनिया प्याज जो भी है तुसी अपने स्वाद अनुसार थोड़ी जिन्ने टेस्ट है उसके अनुसार तुसी पा सकते हो। लो इन रख देना, गैस जलावांगे, ढक्कन जड़ा है वो रखांगे इन वास्ते ढकन वास्ते। एक चाहिए आपां नूं स्पून, ये साडा पैन जड़ा है मैं आहिस्ता आन वास्ते इनू पाना आहिस्ता ते ऑयलिंग जड़ी है वो कर लेनी है। ब्रश नाल ऑयलिंग करो ना सब तो घट तेल लगता है और वेस्ट जड़ा है वो नहीं होंदा, ज्यादा घट भी नहीं पैंदा। हुण लिया सी ये जड़ा मिक्सचर, देखो परमिशन हो गई है, करदियां करदियां ही हो गई है, फुल गए ने जिन्हों कहिंदे हो तुसी। इनू असी हुण इहदे विच एक एक चम्मच जड़ा वे वो पा देंगे। देखो मैं लाइव दिखा रही हूं, मैं नाल दी नाल पा दिता वे, तुसी इसनू 10 मिनट्स वास्ते ढक के रख दोगे तां वी थोड़ा बहुत अच्छे वाला बनेगा, बनेगा मेरे वाला भी अच्छा ही, कोई इहदे विच ये नहीं है भी ये इस करके थोड़ा घट फुल सकते हैं, पर चलो मैं लाइव कर रही हूँ, मैं 10 मिनट्स अफोर्ड नहीं कर पा रही, इस करके मैं ये पावांगी। ये 12 इहदे विच कट्ठे बनते हैं, इहदे विच बहुत कुछ बनता है फ्रेंड्स, तुसी अपे प्लेट जिहड़ी है मैं सुजेस्ट करांगी कि तुसी जरूर लो। हां जी बिट्टी जी आ जाओ, हरप्रीत जी आ जाओ खवाइए तुहानू अप्पे। मैं पहली बारी बहुत देर पहले पढ़िया भी अप्पे जड़े है ओ साबूदाने दे अप्पे ये दे च बनांदे लोग, ये जड़े साउथ दे लोग है ना ये इन्हां दी इनोवेशन है राइट। ते ये मैं उपर भी थोड़ा थोड़ा एक एक ड्रॉप जड़ा है तेल पा दिता है, वैसे विच हैगा तेल। ते ये देखो जी ये सारे मैं एक बारी तेल पा के रख रही हूं, ते इनू हुण तेज कर देंगे राइट, तेज करके इहदे उपर लिड दे देंगे। ये हुण अपने आप पकेगा, एक अद्धी बारी मैं इनू मूव जरूर करांगी, जिन्नी देर ये पकदा है असी करिए गल्लां बातां ते तुहानू दिखाईए भी कदे नाल खावांगे आपां। देखो इहदे नाल मैं बनाई हुई है ग्रीन चटनी, ये चटनी बड़ी ट्रेडिशनल है, ये धनिया पुदीना अनारदाना थोड़ी जी मैं नींबू पाया वे, ते इहदे विच तुसी प्याज, ये जड़ी है ट्रेडिशनल जड़ी साडे पेरेंट्स ते वड्डे खांदे सी, असी ओही चटनी बनाईए, बहुत डाइजेस्टिव हुंदी है, किसी भी चीज नाल खाओ मजा आ जाता है इस चटनी नू खा के। सैकेंड टमैटो चटनी है वो तो बाजारी है तुसी लेना चाहो लो खाओ, ते तीसरी है इमली वाली चटक्का, ठीक है जी। ए सारियां चटनियां दे नाल सर्व करो ते बहुत मजा आएगा तुहानू ए खवा के ते खा के। देखो हुण मैं की करना है, मेरी आदत है फुलका बनावा या मैं कोई चीज पकांदी होवां ऑलवेज मैं उसनू टर्न जरूर करदी हां। टर्न करन दा सिर्फ इन्ना मतलब हुंदा है कि सेक सारिआं नू बराबर लग जाए, ते कौन कौन जुड़िआ मेरे नाल देखिए आपां। अच्छा जी हरप्रीत जी हैं, ओ माय गॉड मैनी 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 वाओ 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 वेरी गुड, चलो बहुत अच्छा है तुसी साडे नाल जुड़े हो, एंजॉय करो कुकिंग नू
ते फिर आप बनाओ ते बच्चों नु खवाओ आप खाओ मजे लो कुकिंग दे। देखो कितना सोना पकना शुरू हो गया। लेट मी चेक। देखो इधर पासे भी पकना शुरू हो गया। आपां इहनूं परता दे आहिस्ता करके सारे परता देंगे इस तरह करके ऐदा राइट ऐदा तुसी आराम दे नाल पका सकते हो। हुण मैं फ्लेम जिहड़ी है इहदी मीडियम कर दित्ती है क्योंकि ये जिन्ना फुलना सी जिन्ना एक पासे पकना सी पक गया हुण ये दूजे पासे पकेगा। वेरी नाइस वन। जरा कु असी एदे विच पा दिने आ फिर ऑयलिंग कर दिने आ होर ज्यादा स्वाद बनेगा। कहंदे ने जिन्ना गुड़ पाओ उन्ना मिठा बनेगा। कहंदे ने वड्डी बहू ने बनाईयां तोरियां ते की सी ओ कहावत की सी सुरजीत ओ कहावत ना घ्यो ने बनाईयां तोरियां ते वड्डी बहू दा नाम भाई साडा दा ही हिसाब है। घ्यो ने बनाईयां तोरियां ते वड्डी बहू दा नाम मतलब भी जो चीज तेल घ्यो करदा है ओ कोई भी नहीं करदा। सो कोई नहीं तेल घ्यो भी काम करदा है तुसी भी काम करदे हो सारे काम करदे ने तां ही बंदियां ने स्वाद चीजां मजेदार चीजां डिलीशियस न्यूट्रिशियस खाने जड़े ने बनान वास्ते तुसी देखो मेरा चैनल TZ फूड एंड लाइफ ऑन यूट्यूब एंड ऑन पेज 2। सब्सक्राइब करो लाइक करो शेयर करो ते मेरे पेज नू भी लाइक ते फॉलो करो। ते देखो जी हुण असी नालो नाल करदे आ काम ते नालो नाल देख भी लैने आ पक रहे हैं कि नहीं। हां जी बहुत सोहने पक रहे हैं मजेदार पक रहे हैं। असी हुण इन्हां नूं प्लेट लै आवां उन्नी देर ते उहदे विच असी की करिए शिफ्टिंग। चम्मच ए वन बाय वन जड़े बन गए ने मैं कढ़ी जावांगी और पाई जावांगी अपनी इस प्लेट दे विच। राइट सारे पक गए बहुत अच्छे पक गए ने और ए तुसी किसे वेले इवनिंग स्नैक्स दे विच भी खाओ ते सर्व। एक मैं अपने भाई साहब है बत्ता भाई साहब उन्हां नूं भी ओह ऑलवेज कहंदे है मैम कोई स्नैक्स दिखाओ इवनिंग स्नैक्स दिखाओ। लो जी इवनिंग स्नैक्स भी तैयार ने बेशक इहनूं ब्रेकफास्ट खाओ बेशक इवनिंग स्नैक्स विच खाओ ते खवाओ अपने गेस्ट नूं। वीडियो ए हो गए ने तैयार। देखो जी मैं इत्थे रख दिया इत्थे रख के तुसी दिखाओ इन्हां नूं ते वीडियो वेखन वास्ते तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया मेहरबानी शबक है।